आज की वीडियो में आप लोग कुछ अलग और कुछ नया सीखने वाले हैं जो अभी तक YouTube पर आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। इस तरीके से कटिंग इस तरीके से सिंपल करने के लिए मुझे काफी टाइम लगता है, तो अगर आपको इस मेथड से ब्लाउज परफेक्ट आता है तो आप बनाने के बाद आकर एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपका ब्लाउज परफेक्ट हुआ है। और पसंद आता है काफी तो आप लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि काफी मेहनत लगता है रिसर्च करने में और इसको सिंपल बनाने में। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है और इसमें फुचरा निकल रहा है, इसके लिए मैंने अस्तर भी लिया है, तो इसको हम फिलहाल के लिए साइड में रख देंगे। एक कॉलर बनाने के लिए कैनवास लिया है, कॉलर सबसे मेन पार्ट है ध्यान दीजिएगा, और बैक भी मेन पार्ट है, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। एक प्लेन कपड़ा प्लेन की जगह पे यूज करेंगे कॉन्ट्रास्ट में, और ये मेन अस्तर है इसको हम इधर रखेंगे, और इस पे हम जो है कुछ अलग करने वाले हैं तो वो चीज भी ध्यान रखिएगा, इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसका जो मेजरमेंट है वो ए मेजरमेंट है और ये बॉडी से नाप लिया हुआ मेजरमेंट है, यानी डमी से नाप लिया वाला मेजरमेंट है। आप अगर ब्लाउज से माप लेते हैं तो इसमें शोल्डर की माप जो है आप हर हाल में बॉडी से ले लीजिएगा ताकि आपको कटिंग करने में आसान हो, इतना याद रखिएगा। बाकी चीज आप ब्लाउज से ले लीजिए लेकिन गला की माप और शोल्डर की माप आपको हर हाल में बॉडी से लेना है। तो इसको हम सबसे पहले बैग कटिंग करेंगे और बैग में ओपन देंगे, इसके लिए इसको ले लेते हैं। एक यहां पे हम सीधा निशान दे देते हैं, ठीक है, और इस साइड भी हम इतना एक निशान दे देते हैं। ओके, लंबाई इसका 14 इंच है तो हमें इसको 15 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद एक इंच ऊपर और एक्स्ट्रा करना है, इसको हम सीधा कर देंगे। अब शोल्डर हमारा 14 इंच है तो 14 इंच के आधा 7 इंच हम पूरा रखने वाले हैं। ये नया तरीका है याद रखिएगा, और आपको अगर ये तरीका नहीं जमता है तो आप फ्रंट की भाग सिर्फ सीख लीजिएगा और बैक आप जो तरीके से कटिंग करते हैं सेम तरीके से कटिंग कर लीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं एक्सपेरिमेंट किया हूं। तो 7 इंच पूरा रखेंगे हम 14 इंच के आधा, और यहां पे ऊपर वाला जो भाग है यहां पे हम 7.5 इंच रखेंगे, आधा इंच बढ़ा देंगे यहां पे, ठीक है, यानी यहां पे 14 और यहां पे 15। ओके, अब यहां से हम नेक का डीप जो है गले की बैक गले का वो 9 इंच रखेंगे यहां पे, ठीक है, और गला आपको अगर तैयार ब्लाउज में 8 इंच करना है, जितना करना है उसके हिसाब से करना है, तो 8 इंच के आधा होता है 4 इंच, तो आपको यहां पे लेना है 4.25 इंच से एक सूत भी कम, ठीक है, यहां पे हम ऐसा निशान लगा देंगे। अगर आपको 8 इंच से ज्यादा तैयार करना है तो उसी के हिसाब से यानी 1/4 इंच छोड़कर आपको कर देना है कट, ठीक है। तो अगर 9 इंच करना है तो आपको 1/4 इंच पे कटिंग करना है, यानी 1/4 इंच पे कटिंग करना है, ठीक है, उस हिसाब से कटिंग कीजिएगा। मैंने इसमें क्या किया है 3.5 इंच से एक सूत ज्यादा लिया है, 4.25 इंच से एक सूत कम। अब यहां पे मेन समझिएगा, यहां पे हम इसको 2.5 इंच ही रखेंगे, ठीक है, यहां पे जो है ये 2.5 इंच ही रखेंगे, और ये वाला यहां पे 1/2 इंच जो है हम इधर बढ़ा देंगे, जैसा हमने इधर बढ़ाया ये 1/4 नाप लीजिएगा, ये आ रहा है हमारा 1/3 इंच से एक सूत ज्यादा, तो इधर पे भी हम 1/3 इंच से एक सूत ज्यादा कर देंगे यानी यहां पे, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसमें और चेंज करते हैं, ये हमारा इतना हो गया, थोड़ा सा हम इसको ऐसा ले लेंगे यानी 1/4 इंच कर देंगे टोटल। अब इसके इसके में गैप कितना हो गया देखिए, 1/4 इंच ये है और ये हो गया आपका 4 इंच। अब ये दोनों को जो है ऐसा हम मिलाएंगे ऐसा, और फिर इसको ऐसा लेंगे, ओके, ये समझ में आ गया, और यहां से इसको हम ऐसा क्रॉस कर देंगे, ये नीचे वाला जो 1 इंच है वहां पे, ठीक है, ऐसा, तो अब ए वाला निशान यहां आ जाएगा 7.5 तो 7.5, ओके।
अब आपका अगर चेस्ट 36 इंच है जैसे मेरे में है तो उसकी छठा भाग लेना है, यानी 36 इंच का छठा भाग, ठीक है। तो 6 इंच हो रहा है, अगर 38 है तो उसका भी छठा भाग, 40 है तो उसका भी छठा भाग, तो 6 इंच हो रहा है, तो उसमें हम और आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे, यानी 6.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। आर मोल हमारा 15 इंच है, ओके। और यहां पे 7 इंच है तो यहां पे भी हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे, और इसको हम सीधा कर देंगे, ठीक है। और यहां पे एक आधा इंच पे अंदर की साइड निशान लेंगे, आधा इंच पे, देखिए यहां पे। अब इसको जो है जो हमारा यहां पे लगभग आ रहा है 1 इंच, तो 1 इंच हम यहां पे ऐसा करके इसको ऐसा मिला देंगे, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। अब यहां पे इसको हम क्या करेंगे, ऐसा देखिए ऐसा ले लेंगे इसको, ठीक है, आप आपके हिसाब से ले लीजिएगा। और चौथा भाग हमारा 35 इंच है तो उसकी चौथा भाग हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लूजिंग वूजिंग मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं इसमें, तो 9.25 इंच हो रहा है, 9.25 इंच पे ही निशान देंगे हम, और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिंग दे देंगे। अब इसको जो है ऐसा रख देंगे, देखिए ऐसा, ठीक है, ये हमारा जो है इस तरीके से हुआ, ऐसा ये हमारा शोल्डर हुआ, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम कमर पे, यहां पे हम ले लेते हैं 3.5 इंच, 28 इंच है तो, और यहां पे हम 1 इंच से ज्यादा गैप दे देते हैं, और फिर से यहां पे हम 3.5 इंच, 3.5 7 हो गया, 7 × 28, अब 2 इंच यहां पे हम गैप दे देंगे, और यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ आधा इंच ऊपर करेंगे, ठीक है, यहां पे सिर्फ आधा इंच का ऊपर देंगे, बाकी नहीं देंगे। अब इसको हम मिलाते हैं ऐसा ऐसा और इसको ऐसा, समझ में आ गया, बैग में क्या चेंजेस किया है मैंने, ये वाली चेंजेस हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम कट करते हैं और फिर हम फ्रंट दिखाते हैं आपको, देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है। अब हम दूसरे वाले कपड़े को लेंगे, इसको यूज करेंगे, देखिए ये वाला जो है ध्यान से समझिएगा, फ्रंट में काफी कुछ है। इसको हम यहाँ पे लेंगे, एक निशान हम यहाँ पे लगा देते हैं सीधा सीधा। अब इसमें ए वाला जो निशान है इसको देखना है आपको, और ए वाला जो मार्जिंग है इसको भी छोड़ देना है, दो चीज आपको करना है ऐसा, ठीक है। देखिए मैंने ऐसा बैठा दिया, इस तरीके से आपको बैठा लेना है, उसके बाद इससे आधा इंच बढ़ाकर एक निशान दे देना है, लंबाई ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे हम शोल्डर के निशान 14 इंच पे लगाएंगे पूरा, इसी के हिसाब से हम नेक जो है ऐसा करके निशान लगा देंगे, जहां पे भी आया हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई की निशान लगा दिए, ये लगभग आया 3.25 इंच। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो नेक डीप हमने फ्रंट का 6 इंच लिखा है तो आपको भी 6 इंच कंपलसरी रखना है, ठीक है। साइज कोई भी रहे आप इसे बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते, नहीं तो डिजाइन आपका खराब हो जाएगा। और यहाँ पे 3.25 इंच है तो यहाँ पे भी हम 3.25 इंच दे देंगे, ऐसा ऐसा, और इसको ऐसा कर्व शेप दे देना है। उसके बाद फिर से एक 4 इंच पे निशान लगाना है ऐसा। अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहां पे 7 इंच लिया है तो यहां पे भी हम एक 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और ऐसे में हम इसमें 6 इंच ही लेंगे, उसमें 6.5 इंच लिया था पर इसमें हम लेंगे 6 इंच। ये आपको सभी ब्लाउज में इसी फॉर्मूला का यूज करना है। अब यहां पे फिर से 9.25 इंच चौथे भाग अपर चेस्ट का, और फिर से यहां पे आधा इंच अंदर की साइड ऐसा, सॉरी एक चीज और करना भूल गया मैं, यहां पे आधा इंच जो है शोल्डर स्लोप देना है आधा इंच। अब यहां से हमें मापना है 6 इंच, ठीक है,
तो सॉरी इसके लिए, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। और इसको और इसको क्रॉस कर देंगे हम ऐसे, और ये वाला जो आधा इंच है इसको हम ऐसा मिला देंगे। देखिए और दो इंच इधर ले लेते हैं हम, इसको फिर से हम ऐसा रखेंगे। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये फुल ब्रेस्ट के हिसाब से है यहाँ पे जो भी हो रहा है। तो यहां से हम जो है ब्रेस्ट का पॉइंट 10 इंच लेंगे। आप आपके हिसाब से 1.5 इंच 2 सूत आगे पीछे कर सकते हैं, या आप माप ले लीजिए बॉडी में जितना आए उससे आप 1 इंच बढ़ा दीजिए। और यहाँ पे हम 7 इंच रखेंगे, साइज छोटा है तो ये भी आपको बढ़ाना है 1 सूत 2 सूत और कम भी करना है, ठीक है। जैसा बॉडी पतला है चौड़ा है उसके हिसाब से करना है आपको, तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे 3.5 इंच हो गया, लेकिन यहाँ पे हम इसको 3 इंच दे रहे हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसा निशान लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम 3 इंच का गैप दे रहे हैं। आप पफ की उबार जैसा चाहिए उसके हिसाब से 1/2 इंच आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए 3 इंच दे रहे हैं क्योंकि कमर जो है हमारा 28 इंच है और फुल ब्रेस्ट 36 इंच है, तो इसके हिसाब से 3 इंच दे रहे हैं हम। हाँ, आप उसके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 इंच दिया तो यहाँ पे जो है 4 इंच दे देंगे, लेकिन 4 इंच कैसे देना है, ऐसे ऊपर की साइड। एक चीज और करना है, ये वाला जो बैक का पल्ला है इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे ऐसे, और ये जहां पे निशान आएगा ये वाला, उसी हिसाब से यहां से हम 4 इंच ऐसे मापेंगे ऐसे, फिर यहां से 2 इंच ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे जाने देंगे, देखिए ओके। और ये निशान को ऐसा हम यहां से यहां कर देंगे, देखिएगा ऐसा। ये सिंगल डॉट से मैं समझा रहा हूं, इसको आप इस डिजाइन को प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं। अब यहां पे आया हमारा 6 इंच, तो ऐसे में भी 6 इंच पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है, जहां पे भी आया हमारा 6 इंच। और इसको हम ऐसा मिलाएंगे ऐसा ओके, और फिर यहां पे इसको ऐसा ले लेंगे ऐसा। अब बारी आती है यहां पे डिजाइन बनाने की, डिजाइन हम यहां से ले लेंगे 5 इंच ऐसा, और यहां पे आप जितना चाहे क्रॉस कर सकते हैं। यहां पे आपको रखना है 1.5 इंच, ये चीज आप ध्यान से समझिएगा, ये 1.5 इंच और यहां पे 5 इंच, हाँ ये चीज मेन है। अब इसको हम ऐसा क्रॉस करेंगे, देखिए ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, ए रहा। डमी के हिसाब से मैंने एक कॉलर को जो है परफेक्ट बना लिया है, ताकि गर्दन में जो है गले में अच्छे से राउंड शेप में बैठे, नहीं तो अच्छे से बैठेगा नहीं। अब ये कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखिए इस तरीके से बनेगा, और बनाना काफी कठिन है इसको, तो समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। अब इसको जो है ना देखिए यहाँ पे ये ऐसे आएगा, इससे जो है 1/2 इंच नीचे करना है आपको मार्जिन के हिसाब से ऐसे, और इसको हम गोला ऐसे बना देंगे, समझ गए। और फिर इसको भी हम ऐसा कर देंगे, ओके समझ में आ गया। आपको तो सिंपल तरीके समझा दिया, लेकिन मुझे 1 दिन लग गया इसको पूरा कंप्लीट करने में। अब मैं इसको कट कैसे करूंगा वो चीज देखिएगा। आर्म होल भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझिए कैसे कटिंग करता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे जो है ए वाली पार्ट को आपको कट करना है, ऐसा इतना ही रहने देना है, ठीक है। और यहां पे ऐसा, और इसको ऐसा,
अब यहां से इसको हम ऐसा कट कर देंगे, इसको चाहे तो और सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ले लेंगे हम मेन कपड़ा और एक ले लेंगे हम एक कॉन्ट्रास्ट वाली कपड़ा, ये वाली। देखिए इसको ऐसा रख दिया, यहां पे आपको आधा इंच की मार्जिन लेना है, इसको जो है ऐसा मिला देना है ऐसा, और सेम हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारा कट गया, जो दूसरा वाला भाग है ये वाला, इसको हम इसमें कटिंग करेंगे। डबल कर दिया है मैंने और इसको ऐसा रख देंगे और इसमें भी हम आधा इंच की मार्जिन लेंगे। आप एक कपड़े को सेम कलर में दे सकते हैं और ये वाला जो है यहाँ पे हमारा ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा प्लेन हुआ, ये हमारा डिजाइन हो गया। अब हम सेम तरीके से इसका जो अस्तर है फ्रंट का वो कटिंग कर लेंगे, समझ गए। बाजू की कटिंग जो है हम नहीं बता रहे हैं, बाजू की कटिंग आप लोग को आता है, जो मेन पार्ट था उसको मैंने समझा दिया। अब जो मेन बात आता है वो आता है कॉलर का, कॉलर कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसको समझाता हूँ। देखिए ये मैंने पहले से बना के रखा है और जो चीज मैं समझाऊंगा सेम तरीके से आपको पहले उतार कर एक फर्मा बना लेना है, उसके बाद उससे आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं आसानी से। ये रहा हमारा फ्यूजिंग, इसको हम ऐसे रखते हैं। अब इसमें मेजरमेंट समझिएगा कैसे कैसे मैं करता हूँ, क्योंकि परफेक्ट है तो मैं सेम इसी से कटिंग करूंगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं एक निशान लगाता हूँ ताकि आप समझ सके अच्छे से, ऐसा। ठीक, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है, तो आप भी 1.5 इंच रखिए, परफेक्ट बैठेगा गले में। यहां से यहां की लंबाई देख लीजिए कितना है, 7 इंच, तो आपको भी 7 इंच रखना है। ठीक है, अब जैसे ही गर्दन मोटा होगा तो उसके हिसाब से ये वाला 2-2 सूट बढ़ा लेना है आपको, लेकिन फर्मा आपको सेम इस तरीके से निकाल लेना है तभी परफेक्ट आएगा। ऐसे में 7 इंच रख लेना है और यहां पे देखिए सबसे नीचे यहां पे 2 इंच है, तो आपको एक यहां पे 2 इंच का ऐसा निशान लगा देना है और ये वाला निशान को आपको 1.5 इंच पे लगा देना है और ये वाला निशान को आपको 2.75 इंच पे लगा देना है। देखिए समझ में आ रहा है, ये कितना हो गया, और यहां वाला 7 इंच पे ऐसे में निशान लगा देना है, ऐसे में ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो है थोड़ा सा बढ़ाना है, ये वाला जो भाग है ये गर्दन की मोटाई के हिसाब से कम ज्यादा होगा, तो यहां पे भी हम कितना रखे हैं, 2.75 इंच। ठीक है, तो 2.75 इंच यहां पे, मेजरमेंट समझ में आया। अब इसको हम हटा लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, सेम आपको इसी तरीके से उतार लेना है। अब इसको और इसको हम मिला देंगे, जो हमने 2.75 इंच लिया था, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया, 2.75 इंच, हाँ ये वाला निशान बराबर है। ठीक है, और इसको आप ऐसा शेप देना है, ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और यहां पे आ गया, समझ गया। अब यहां से हम 1.5 इंच पे निशान लगाते चलेंगे, जितना चौड़ा हमें रखना है उसके हिसाब से हम रखते चलेंगे। अगर आप सोचते हो कि अंदाज से कटिंग कर लूंगा तो गले में परफेक्ट नहीं बैठेगा, इतना याद रखिएगा। इधर पे मार्जिंग नहीं है तो कपड़े में मार्जिंग आपको देना है, फ्यूजिंग है, इसको कपड़े पे चिटका के और फिर बनाना है, ये परफेक्ट है। इधर भी मार्जिंग आएगा कपड़े में और उधर भी मार्जिंग आएगा। चलिए ये हमारा कॉलर कट हो गया, देखिए इस तरीके से है कॉलर। तो इस तरीके से एक कटिंग जो है पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो, मैं काफी सिंपल करके बताया हूं। अगर आपको इसका स्टिचिंग की पार्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, तो मैं इसकी स्टिचिंग पार्ट भी ले आऊंगा सेम कपड़े पर, सेम कटिंग को, और फिटिंग भी करके दिखा दूंगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और फिटिंग आ जाए ब्लाउज तो आके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।